हेलो एवरीवन इस वीडियो में मोनोक्रोमेटिक लाइट और हेट्रोक्रोमेटिक लाइट या फिर जिसे पॉलीक्रोमेटिक लाइट भी कहते हैं इन दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस हैं या फिर मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या है इन दोनों को समझने वाले हैं तो मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब है ऐसे लाइट्स दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ वेवलेंस जैसे अगर सिंपली किसी लाइट की बात करें तो उसमें अलग अलग कलर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके वजह से अलग अलग वेवलेंस भी प्रेजेंट होते हैं तो मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब है कि ऐसा लाइट होना चाहिए जिसमें सिर्फ एक ही तरह के वेवलेंथ प्रेजेंट हो यानी कि जो वेव्स है? है जैसे आप लेजर लाइट जानते हो लेजर लाइट जो भी यूज करते हैं आर मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी कि उस लाइट के अंदर उस लाइट को अगर ऑब्जर्व करें तो उस लाइट वेव्स की जो वेवलेंथ है ना सारे वेव्स की वो एक ही waves, एक ही होगी कि उसमें अलग अलग वेवलेंस प्रेजेंट नहीं होंगे और क्या हो सकता है जैसे सोडियम लाइट जो भी स्ट्रीट पर येलो कलर के जो लैंप्स जलते हैं उसमें कुछ अमाउंट में सोडियम प्रेजेंट होता है, है सोडियम लाइट और इसकी जो वेवलेंथ है ना उस लाइट की वो नियरली फाइव कि उसमें अलग अलग वेवलेंस वाले लाइट प्रेजेंट नहीं होंगे और क्या है लाइट एमिटिंग डायोड्स हैं वो जो लाइट एमिट करते हैं उसमें सिर्फ एक ही तरह के वेवलेंस प्रेजेंट होते हैं अब बात करते हैं दूसरी जो कि है हेट्रोक्रोमेटिक लाइट या फिर इसी का दूसरा नाम है पॉलीक्रोमेटिक लाइट ठीक है इसका मतलब क्या है इट कंसिस्ट ऑफ लाइट वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स यानी कि एक ही लाइट में अलग अलग वेवलेंथ्स प्रेजेंट होंगे या फिर अलग अलग वेवलेंथ्स वाले वेव्स प्रेजेंट होंगे उन सभी को क्या जाता है मल्टी क्रोमेटिक पॉलीक्रोमेटिक या फिर आप बोल सकते हो हेट्रोक्रोमेटिक लाइट अब ये जो हेट्रोक्रोमेटिक लाइट है ना इसका एग्जांपल है सन लाइट सन से व्हाइट लाइट आते हैं और उसमें अलग अलग कलर्स प्रेजेंट होते हैं आपको पता होंगे कि वाइट लाइट जो सन से आती है उसमें सेवन कलर्स प्रेजेंट होते हैं और उन सभी लाइट्स की जो वेवलेंथ है वो अलग अलग होती है इसका मतलब है कि जो वाइट लाइट सन से आती है विच इज़ अ हेट्रोक्रोमेटिक लाइट और इसमें एक तरह के वेवलेंथ प्रेजेंट नहीं होते आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन मोनोक्रोमेटिक और हेट्रोक्रोमेटिक लाइट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो